हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, फ़िलहाल मैं हूँ अपने फ्रेंड के घर पे और हम कहीं अभी जा रहे हैं। तो गाइज़, अभी यहाँ का मौसम देखो, अभी दोपहर का टाइम है और अभी भी गाइज मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी। अभी फ़िलहाल मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ और हम कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए उसके घर पर मैं आया था और उसके आने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ। तो गाइज, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है बाज़ार में, और यहाँ पे काली माता का फेमस एक टेंपल है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो बाज़ार में भी मतलब मंदिर में तो पैर रखने की जगह भी नहीं है, इतने हैं वहाँ पे भी। और पूरे नवरात्रे यहाँ पे चलते रहते हैं, मतलब पूरे मंदिर में एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और बाकी वेट करते हैं उसका आने का, उसके बाद चलते हैं फिर। ओ भाई, ये भी आ चुका है। आप इतना हेलमेट चक्का हुआ, ये भाई गया हुआ था कहीं श्राद्ध मनाने, क्या होता श्राद्ध मनाने, क्या होता भाई, हेलमेट क्यों चक्का हुआ भाई? मंदिर नहीं गया नवरात्रों में तू? कल गया था। मैं भी जाके आया आज, बड़े दिनों बाद कल गया था। चले फिर, तू चलाएगा मैं चलाऊं, वहाँ ठुल्ले होएंगे। चल मैं चलाता हूँ। चश्मा भी लगाना पड़ेगा। शनिवार को बोलता ना मेरे को जाने को, मेरे को पता यार, मैं बोलने वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं कर, मैं वही काम को मैं बिजी ना हुए। मोड़ ले। तो देखो भाई, अपना ये कालका का रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ पे अभी काम चल रहा था, यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला तोड़ के यहाँ नया बनाया। देखो यहाँ से यहाँ भाई मंदिर टाइप का बना दिया पूरा, बहुत मस्त लगता है मंदिर। कभी अंदर दिखाऊंगे, हम कहीं जाएंगे ना वहाँ पे तो दिखाएंगे। अभी कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है वहाँ पे। अभी चले फिर, चलो। फिलहाल हम आ चुके हैं हाईवे पे और ये हाईवे जो है शिमला की तरफ जाता है, सोलन शिमला, यही इसी हाईवे की तरफ जाते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं एप्पल मार्केट में, हमने एप्पल लेके आए हैं और यहाँ से 6 सेक्टर परवाणु में है एप्पल, मतलब यहाँ से आया थोड़ी दूर हिमाचल में। हाँ, तो आप हाईवे से जा रहे हैं, हम एक इधर भी है और एक और कहाँ है, एक 6 सेक्टर में और एक इधर हाईवे के पास भी है। भाई वहीं पे चलते हैं। बाकी मैंने इसको बोला था अगर सोलन वगैरह चलना तो था, बाकी ये मना कर रहा अभी और टाइम भी ज़्यादा हो गया, 2 बज गए हैं। तो अभी चलते हैं एप्पल मार्केट, आपको दिखाते हैं। चलो और बस चलते हैं एप्पल मार्केट में। चले एप्पल लेके आए, एप्पल का जूस निकाल निकाल के पिएंगे। चलो भाई, शिमला जाने में यहाँ से कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है यही रास्ता चला जाता है भाई। हम ऐसे बाइक से भी गए हैं, बस से मैं कभी नहीं गया। तू गया बस से? ये देखो सेब के यहाँ वो पड़े हैं, ट्रक खड़े हैं, देखो सेब के। नहीं कोई नहीं आ रहा है, हाँ मंडी लगती है। नहीं कोई नहीं आ रहा, पहाड़ों की वादी में। अब पहाड़ देखो यार, ये देखो लैंड प्लान यहाँ पे कैसे होती है, पूरा पहाड़ नीचे गिरता है एक बारी में ही। अभी ये तो कुछ नहीं है, बारिश के टाइम में पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। देखो आप देखे तो पहाड़ियाँ तो कुछ साफ दिख नहीं रहे, हल्के धुंधले दिख रहा है, इसलिए मतलब यहाँ पे ठंडक है थोड़ी बहुत, है ना? ठंडक है।
वो देखो भाई सामने भाई पहाड़ियों के साथ भाई, ये जो एरिया है हमारा परवाणू है, सारा परवाणू का एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है पूरा, ये पूरा इंडस्ट्री एरिया है भाई, कंपनी कंपनी है। तो भाई हम मंडी के अंदर पहुंच गए, एंट्री मार दी हमने सेब मंडी के अंदर। आगे चल, मैं आगे चल, तू चल आगे चल। तो यहाँ पे आपको सेब ही सेब दिखेंगे, सेब ही सेब, ये ट्रक खड़े साहब, इसमें सब सेब ही सेब है। सेब वाले ट्रक चलते चलो। तो गाइस हम देखो आगे यहाँ पे मंडी में भाई, सेब की मंडी है पूरी, दिखा भाई इधर, अभी आपको दिखाते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे बैक से दिखाएंगे, बैक से ट्रक से साफ आ नहीं रहा, बैक से दिखाते। ये देखो यहाँ सेब उतर रहे हैं पूरे ठीक ठाक, इधर आइए इधर देखो, ये पूरा जो ये बिल्डिंग बनी हुई ना, ये पूरी सेब बिल्डिंग है भाई, ये भी मार्केट की है सेब की पूरी। बाकी गाड़ियाँ गुड़िया खड़ी सब में सेब ही सेब है, सेब ही सेब भाई पूरी, ये मतलब यहीं से सारा जाता है। जिस टाइम मैं यहाँ आया था ना उस टाइम से यहाँ टाइल टूल कुछ नहीं लगे थे, वो कच्चा था मिट्टी मिट्टी। अब तो कर दिया भाई, इसके आगे फ्लावर मार्केट भी है एक, इसके आगे वहाँ तो मैं कभी गया नहीं, ये दूसरी साइड है, है? सेब तो उधर मिलेंगे पड़े, यहाँ तो पैकिंग है ना, इधर जाना इधर, पेटी है पूरी, ये देखो पेटी पूरी सेब की, एप्पल एप्पल कुछ भाई। यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले आते हैं यहाँ से पेटी लेके गया था सेब की, तो हमने किससे मंगवाई थी, तो इसने देखा फिर ये भी आया भाई लेने, बोलता मेरे को भी चाहिए भाई, तो अब चलते हैं भाई लेके आते हैं अंदर से पेटी। ये रहा भाई, ये मार्केट है अंदर, यहाँ पे सेब मिलेंगे, नहीं चलेंगे भाई यहाँ नहीं मिलेंगे, चल देख लेते हैं। हाँ हाँ चल पूछ लेते हैं भाई, यहाँ से व्यू देखो भाई, ऊपर देखो और इधर देखो, नीचे नदी गई हुई है भाई, ये पूरी ये देखो भाई व्यू, पूरा ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है यहाँ पे, कश्मीर में आ गए हम यहाँ पे। हाँ कश्मीर लग रहा भाई, और यहाँ देखो यहाँ आग जला रखी है, बाकी ये इधर मंडी है भाई, चलें आप पूछ के आते हैं। हाँ ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये पेटियाँ पड़ी हैं, चल आप पूछ के आते हैं। ये देखो भाई सेब यहाँ पड़े हैं, ये देखो ये देखो, बाकी भाई यहाँ पे देखो पूरा पेटियों में काम हो रहा है। तो भाई यहाँ पे पूरी पेटी ये बेच रहे हैं, और पेटी का रेट है 1200 से, ये 1200-1300-1400 ग्रेड के हिसाब से, एक ये ग्रेड का ग्रेड है, बी ग्रेड है, उससे नीचे भी है, सी ग्रेड वाले भी है, लेकिन इसका हम ले इस वजह से नहीं रहे क्योंकि पेटी जो है 20-25 किलो की है, इतना हम खा नहीं पाएंगे भाई, सड़ जाएगा फिर, इस वजह से ले नहीं रहे। अब दूजी मार्केट में चलते हैं, वहाँ पे कुछ मतलब कम इसकी पेटी होगी, 10-15 किलो की, 10-5 किलो की पेटी होगी, वो लेंगे, दूजी मार्केट में चलते हैं पहले। चलो भाई ये दूसरी मार्केट में आ चुके हैं हम सेब की, और यहाँ से 10 बोरियों में पैक होकर जाते हैं भाई, ये देखो यहीं से पूछते हैं। हाँ यहाँ खुले भी मिल जाते हैं, हाँ तो यहाँ पूछते हैं भाई, यहाँ देखते हैं, पहले भी ले गया था यहाँ से। ये देखो भाई यहाँ पे बोरियाँ लगी हुई हैं। तो भाई देखो हम यहाँ पे सेब लेने आए हुए हैं, बाकी सेब हमारे को दे ही नहीं रहे यार, कह रहे पूरा कट्टा है 40-50 किलो का, कह रहे पूरा देंगे, अगर लेना है तो बताओ 600-700 रुपये उसमें मांग रहे हैं। हम कई तरह हम कर रहे हैं क्या, खाएंगे खा ही नहीं पाएंगे तो क्या पता सड़ देंगे वो, उन्होंने कहा 10-5 किलो दे दो, किस लेना पैसे, तो दे नहीं रहे कोई भी भाई। यहाँ बदबू ऐसी आ रही है ना भाई सेब की, मतलब जैसे दारू की बदबू आती है ना भाई, वैसी आ रही है। अब भाई कम दे नहीं रहे, 40 किलो ले जाएगा भाई सड़ जाएंगे, कोई फायदा 40 किलो करेंगे क्या, हम खा ही नहीं पाएंगे, सड़ जाएंगे क्या फायदा। बाकी भाई देखो इधर अभी सुन समझ सकते हैं लोग, मारा तो भाई पोपट हो गया, अब क्या भी। तो भाई चलते हैं अब घर वापस, देखते हैं अगर 3-4 बंदे देखते हैं, अगर किसी ने खाने होंगे तो भाई ले जाएंगे, दे देंगे उनको भी, बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं घर पे। तो भाई फ़िलहाल हम आ चुके हैं घर पे अपने, और अब हम कल जाएंगे वहाँ पे, कल या परसों जाएंगे लेने, क्योंकि वो 40 किलो का कट्टा है, और स्कूटी लेके जाएंगे भाई, बाइक पे तो
थोड़ी दिक्कत होती लाने में, और फिर देख पूरा कट्टा लेके आएंगे इस बार, दो चार बंदे इकट्ठे करेंगे ताकि डिवाइड हो जाए सब कुछ, ताकि सब बर्बाद ना हो हमारा, नहीं तो 40 किलो बर्बाद हो जाएगा भाई। और कौन इतने यार, चलो ठीक है भाई चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है बाय। सांप है ये छोटा सा, भाई साहब ये सांप देखो घर में घुसा हुआ था, ये देखो भाई शुक्र देख लिया, इसको भगाते हैं भाई, देख भग भाई ये सांप इसके अंदर घुस गया यार, छोटा सा था भाई ये सांप इसके अंदर घुस गया चुका है इसके अंदर, और निकल नहीं रहा, पानी भी मारा मैंने फिर भी निकल रहा है, अब इसको निकालने तो जुगाते हैं, पता नहीं भाई कितने दिन से बैठा था यहाँ पे इसके अंदर, हल्का सा इतना सा छेद है बस, इतना सा उसके अंदर घुस गया इतना बड़ा सा, मैं टोर से देखता हूँ पहले है कि नहीं इसके अंदर, दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखो मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो इसके अंदर बैठा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है बस, पता नहीं कैसे घुस गया इसके अंदर ही, और मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से यहाँ बैठा हुआ है, देखा मैंने आज अभी, इसको निकालने की कोशिश करता हूँ किसी चीज़ से, इसको करते हैं निकालने की कोशिश। मेरे अंदर कुछ ज़्यादा वो ना करियो यार, यार देखिए तो घुसा हुआ यार इसके अंदर, इसके अंदर चला गया भाई, ये भर देता हूँ यहाँ से, आपको निकाल दिया मैंने फिनाइल, और मैंने तारपीन का तेल डाला, निकल गया अपने आप ही, पत्ती से डालना उसमें, पत्ती से डाल पत्ती जान निकल अंदर ऊपर हो ना अंदर ऊपर। तो भाई ये सांप को हमने भगा दिया है, और अपने देखा था वो हल्के से मतलब स्कार्टिंग जो थी वहाँ पर हल्का सा गैप था, उसके अंदर घुस के बैठ गया था भाई ये, मतलब 1 से 1.5 फुट का सांप था ये, और इस सांप का नाम है कॉमन क्रेट, इसको बेंगल क्रेट भी कहते हैं, और ये हाईली वेनमस होता है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम पाया था जो कि ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है, और बाकी गाइस भगा दिया हमने, और ये ज़्यादातर हमारे इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा इसकी काटने की खबरें मिलती हैं, तो ये काफ़ी जहरीला सांप था जो कि भगा दिया, भागा ठीक है यार, वो जो बाहर का हमारा सीढ़ी है उसके नीचे घुस गया था, वहीं मैंने फिनाइल मारा, मैंने यूट्यूब पे देखा कैसे भगाते हैं, फिर वहाँ बताया हुआ था कि कैरोसिन और जो फिनाइल होता है ब्लैक फिनाइल वो डालो, मैं ब्लैक फिनाइल नहीं था ग्रीन फिनाइल था, तो मैंने तारपीन के ऑयल में डाल के वहाँ फेंका, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही निकल गया, लेकिन अभी भी वहीं पर है, अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक चायपत्ती टाइप की कुछ आता है जिसे सांप नहीं आता है वो लेके आऊँगा, और वो वहाँ पे जाके डाल दूँगा, तो उससे सांप वगैरह घर के अंदर नहीं आएगा। इस टाइम हमारे दशहरे में हर बार निकलता भाई, 2 साल से नहीं निकल रहा था, इस बार फिर निकला, हर बार दशहरे में ही निकलता था हमारा, तो चलो गाइस मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।